हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लवली मॉम्स विद कनिका में। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पेट में आपको अपनी बेबी की मूवमेंट कौन से वीक से स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, बेबी की मूवमेंट फील होना आपकी प्लेसेंटा पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। प्लेसेंटा जो होती है एंटीरियर भी होती है और प्लेसेंटा पोस्टीरियर भी होती है। तो ये माना जाता है कि जिसकी प्लेसेंटा पोजीशन एंटीरियर होती है, एंटीरियर प्लेसेंटा का मतलब होता है कि आपके प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो आगे की ओर है, यानी स्टमक की ओर है। तो क्योंकि प्लेसेंटा की पोजीशन स्टमक की ओर होती है, तो ये माना जाता है कि आपके बेबी की मूवमेंट आपको थोड़ी सी लेट फील हो सकती है। आप कह सकते हैं कि 22nd से 25th वीक में जाकर भी आपको आपके बेबी की मूवमेंट फील हो सकती है, क्योंकि आपके स्टमक को प्लेसेंटा जो होती है वो कवर कर लेती है। तो अगर बेबी इनफैक्ट मूव करता भी है तो उस प्लेसेंटा की वजह से आपको बेबी की जो मूवमेंट है वो फील नहीं होती। और दूसरे केस में अगर आपकी प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, इट मींस आपकी जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो आपकी स्पाइन की ओर है, उस केस में आपको आपके बेबी की मूवमेंट काफ़ी जल्दी फील होने लगती है। ऐसा देखा गया है कि जिन जिन लेडीज़ की प्लेसेंटा पोस्टीरियर होती है उनको 16th वीक से ही कभी कभी तो उनकी बेबी की जो मूवमेंट है वो फील होने लगती है। 16th वीक नहीं तो 18 टू 20 वीक या मैक्सिमम बाय 22nd वीक आपको आपकी बेबी की मूवमेंट जो है वो फील होने लगेगी। तो अब बेबी की मूवमेंट सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि फील होती है तो वो कैसे होती है। इतनी स्ट्रांग मूवमेंट फील नहीं होगी 22nd वीक में, क्योंकि अभी आपका बेबी जो होता है वो छोटा होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी बेबी की मूवमेंट जाननी है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको आपके स्टमक में बटरफ्लाई जैसा फील होगा, कभी कभी आपको लगेगा कि ये गैस है। बट गैस की अगर कोई मूवमेंट होगी तो उसमें थोड़ा सा स्लाइटली आपको पेन होगा। बट इस जगह अगर आपको आपके स्टमक में बटरफ्लाई जैसा फील हो रहा है, कुछ फ्लटरिंग जैसा फील हो रहा है, तो इट मींस वो आपकी बेबी की मूवमेंट है। अभी अपनी बेबी की मूवमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहिएगा, डेफिनेटली आपको बाय 20th वीक या 22nd वीक तक आपके बेबी की मूवमेंट जो है जरूर फील होगी। तो आप भी मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको आपके बेबी की मूवमेंट कौन से वीक में फील हुई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।